हेलो दोस्तों, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब तुम्हें अब अटेम्प्ट करने लायक है, तुम सारे सॉल्व कर लोगे। और उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन बैंक भी डाला हूँ लेक्चर 4 में, उसको भी देखना ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस जो है और आसानी से हो। अब हम जो नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक 2 इस चैप्टर का, जो कि एक्सरसाइज 8.2 का बेसिस है, जिस पे बेस्ड है। अब तुम उसे खोलोगे तो तुम्हें कोई भी टीचर बोलेगा इस टेबल को याद कर लो, लेकिन हमारी अप्रोच थोड़ी अलग रखते हैं। जो टेबल हमारे पास है वो एक्चुअल में फॉर्म कैसे हुई, कैसे वैल्यूज हम लिख देते हैं, साइन 45 हमारा ये 1/√2 आ रहा है, या साइन 60√3/2 है, या साइन हमारा 31/2 आ रहा है, कैसे जो है वैल्यूज √3 कहीं √2 कहीं 2 आ रहा है। तो वही चीज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, क्योंकि अभी तक हमने थीटा ए सी जो भी एंगल माना, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, लेकिन अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स लेंगे। यहाँ पर 10th क्लास के सिलेबस में स्पेसिफिक एंगल्स होंगे 0, 30, 45, 60 और 90। इन्हीं की तुम्हारे पास टेबल बनी होगी। यहाँ साइन 60 साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट और फिर जीरो ये एंगल होंगे, ठीक। तो हम इन सब के प्रूफ्स देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर एन एंगल 45, ठीक। देखो, अगर किसी राइट ट्रायंगल में एक एंगल 45 है, क्या बोला, राइट ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, ये मेरा राइट ट्रायंगल है एबीसी, इसमें जो ये एंगल बी है ये 90 डिग्री है, और जो दूसरा एंगल है वो 45 होगा, क्योंकि मैंने बोला है फॉर एन एंगल 45। अब देखो, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, तो एक एंगल सम प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी होगी, किसी भी ट्रायंगल में जो सारे एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है ना। तो ये चीज क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर नहीं पता थी तो इसे नोट कर लेना साथ में, कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक। यानी कि ये तुम्हारा आ गया 180 डिग्री, ओके। तो ये तुम्हारा 90 डिग्री, एक एंगल 45 का है, तो ये एंगल कितना होगा, सॉल्व करो, देखो 90 प्लस 45 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, एंगल ए आएगा 45 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए भी तुम्हारा 45 डिग्री होगा। अब इस एंगल से, इस एंगल 45 से क्या बात समझ में आ रही है तुमको, कि ये जो एंगल ए और एंगल सी बराबर है। अब अगर एंगल ए और एंगल सी बराबर है, देखो ध्यान से लिखता हूं मैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, सही बात है। अब अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ध्यान से सुनो। अगर किसी भी ट्रायंगल में तुम्हारे दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। इसका मींस कि इसको स्टेटमेंट लिखो, क्या एक थ्योरम थी, एंगल सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये भी स्टेटमेंट नोट करो, कि जो साइड्स अपोजिट होंगी इक्वल एंगल्स के वो भी इक्वल होंगी। तो ध्यान से देखो, एंगल ए और एंगल सी बराबर है। अब एंगल ए, अगर तुमने लेक्चर 1 बड़े ध्यान से देखा है तो मैंने समझाया था कि एंगल ए के लिए अपोजिट क्या है, बीसी। देखो यहां से देखो, अगर कोई पर्सन यहां पे खड़े होके देखता है तो वो इसको अपोजिट साइड देखेगा, क्योंकि ये एंगल ऐसे बढ़ रहा है। तो एंगल ए के लिए अपोजिट साइड होगी बीसी इज इक्वल टू, और हमारी एंगल सी के लिए अपोजिट क्या आ रही है, एबी, एबी, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि पहले तुमने एंगल इक्वल टू दिखाए, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से आया, उसके बाद ये जो चीज है इससे हमारे साइड इक्वल होगा। अब जब साइड इक्वल है, ध्यान से देखना, बी सी इज इक्वल टू ए बी, है ना। अब मैं इसको मान लेता हूं कोई भी साइड ए, ठीक। तो अगर ये ए है तो ये भी साइड ए होगी।
अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर तुम्हारे पास साइड परपेंडिकुलर और बेस ए है, तो हाइपोटेनस साइड तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, यानी कि ये 90 डिग्री अपोजिट साइड, ठीक, तो ये तुम्हारी हाइपोटेनस है। अब हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे पता चलेगी? मैंने यहाँ पर ए माना है, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक, तो ये ए हो गया। अब हाइपोटेनस को हम एक ही टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस ए तुम्हें गिवन है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट टू ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर से तो ए बाहर आ गया, लेकिन रूट टू एज इट इज रह जाएगा इसके अंदर, है ना, तो हाइपोटेनस आ गई रूट टू इंटू ए। ठीक, तो ये सारी चीजें थी पता लगाने के लिए कि अगर अगर किसी ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल में, किसी राइट ट्राइंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री है, तो उसका दूसरा वाला जो तीसरा एंगल है, एक तो 90 डिग्री का है, दूसरा 45, तो तीसरा 45 होगा। अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये 45 और ये दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों के इक्वल होने के बाद हमने जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, तो तुम्हें क्या दिखा कि हमारे हाइपोटेनस आ रहा है रूट टू ए। अब हाइपोटेनस की वैल्यू रूट टू ए है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आप सॉल्व करें, ध्यान से देखना ये सारी चीजें नोट करना। अब मैं इसे रब करता हूँ और फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको सॉल्व करता हूँ, ठीक, तो पहले नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके रब कर लेना, वीडियो में आसान होता है, तुम पीछे भी जा सकते हो, ठीक, ओके। अब तुम्हारे पास देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर आ गया ए, बेस आ गया ए, और हाइपोटेनस आ गया रूट टू ए, किसके लिए, इस वाले एंगल के लिए, मैं सी के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर एंगल सी, ठीक, सी के लिए बात कर रहा हूँ, 45 डिग्री वाला, है ना। अब अगर तुमसे मैं पूछूं साइन सी, अब देखो सी एंगल 45 डिग्री है, इसको लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री, ये कितना होगा, तो देखो साइन 45 इसके लिए परपेंडिकुलर ये चीज है, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनस तुम्हें पता है रूट टू ए है, तो ये तुम्हारा हो गया ए सी, ठीक है, सी ए, तो ये तुम्हारा आया ए अपॉन, देखो ध्यान से, रूट टू ए, तो ये तुम्हारी आगे वैल्यू 1/√2। तो अब जाके टेबल चेक करो जो तुम्हारी बुक में है एनसीईआरटी में, साइन 45 की वैल्यू आ रही होगी 1/√2, ठीक। तो ये तुम्हारा सारी कहानी थी जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी कि कैसे उसकी वैल्यू आई है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू देखना चाहते हो, देखो मैं अगर सॉल्व करूं कॉस सी, तो कॉस सी यानी कि कॉस 45 डिग्री के लिए बोलता हूं, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस देखो इसके लिए बेस तुम्हारा है बी सी और हाइपोटेनस है तुम्हारी ए सी, है ना, या फिर सी ए, एक ही बात, और बी सी तुम्हारा ए है, ए सी तुम्हारा रूट टू ए है, क्योंकि जो तुम्हारी हाइपोटेनस है, तो ये तुम्हारा आ गया 1/√2। देखो दोबारा देखना, उसमें 45 के केस में साइन तुम्हारा 1/√2 है और कॉस भी 1/√2 है, तो इसका मीन्स तुम्हारे परपेंडिकुलर और बेस सेम थे, इसीलिए साइन और कॉस 45 सेम आ रहा है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं टेन 45 बताओ या टेन सी बताओ, तो यहाँ पे देखो तुम्हें पता है टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस बराबर है, यानी कि ए अपॉन ए, तो ये कैंसिल हो गए, 1 वैल्यू आएगी, है ना, यानी कि टेबल में देखना वहां लिखा होगा टेन 45 होता है 1। अब जब ये तीन साइन कॉस टेन तुमने सॉल्व कर लिए, अब इनको साइन को उल्टा करो कॉसेक, कॉस को उल्टा करो सेक, और टेन को उल्टा करो कॉट, जो अभी हमने था फोर्थ लेक्चर में देखा था स्टार्टिंग में, वो चीज़ बहुत काम की है, क्योंकि तुम्हारे जो भी तुम सॉल्व करोगे या आइडेंटिटीज प्रूफ करोगे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे, वो सब तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो ये प्रूफ था कि अगर एंगल 45 है, तो सारी जो कहानी है उसको तुम्हें समझ के चलना है। अगर टेबल हटा दूं तो तुम हो सकता है टेबल अगले दिन भूल जाओ, लेकिन ये कंसेप्ट ध्यान रखोगे, मैंने कोई जादू वाली बात नहीं बताई, तुमने जो चीज़ें समझी हैं कि ट्रिग्नो किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, वही सारी चीज़ें हमने एज इट इज रखी है, और साइन कॉस टेन हमने अभी सीखा था, है ना। अब अगर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने हैं, देख तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कॉसेक की बात करूँ
तो कॉसेक 45 क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 को मैं उल्टा करूं तो क्या होगा, रूट 2 अपॉन 1, तो कॉसेक 45 हो जाएगा रूट 2। टेबल में चेक करना, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू रूट 2 होगी। ऐसी कॉस है तो सेक कॉस का उल्टा, यानी कि सेक क्या हो जाएगा रूट 2 अपॉन 1, तो रूट 2। टैन 45 है और कॉट 45 क्या होता है, 1 का उल्टा, यानी कि 1 अपॉन 1 ही होगा, तो 1 ही आएगा। टेबल में चेक करना, 45 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, कॉस के लिए 1 अपॉन रूट 2, टैन के लिए 1, सेक के लिए रूट 2, कॉसेक के लिए रूट 2 और कॉट के लिए 1 ही आ रही होगी। ये सारा डिस्कशन था हमारे एंगल अगर 45 है। अब हम आगे बढ़े तो हमारे पास है एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब अगर किसी ट्राइंगल में तुम्हारे पास एंगल 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, ठीक, तो ये सारा नोट कर लो। ये 60 डिग्री और 30 डिग्री में दो एंगल साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं हम एक ही ट्राइंगल में, तो इसके लिए हमें स्पेस चाहिए। तो ठीक, इसको पॉज करके पूरा नोट कर लेना, है ना, बात समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है या कुछ समझ में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके तुम बता सकते हो मेरे को, ठीक। अच्छा, अब देखो, अगर मेरे पास एंगल 30 डिग्री है और 60 डिग्री है ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैंने जो ट्रायंगल लिया है वो एबीसी ट्रायंगल है, ठीक। एबीसी जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये चीज़ तुम्हें पता होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या बोला, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक। तो यानी कि मैंने इसको 2a लिखा, तो ये 2a और ये भी, देखो a प्लस a 2a हो जाएगा, है ना, तो तीनों साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। मैंने इसको ए ए लिखा है तो a और a, a प्लस a 2a होता है, ठीक। तो ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। और अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी भी 60 डिग्री होता है। क्यों होता है 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ध्यान से सुनो क्या होगा, मैं प्रूफ बता भी देता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे। ये हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल इक्वल हैं, x आ गया 60 डिग्री, क्योंकि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अभी थ्योरम बताई थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या इसका उल्टा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक। इतनी बात थी तुम्हारे इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब ध्यान से देखो इस फिगर को, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ करा है कि AD एक परपेंडिकुलर लाइन है जो BC को बाइसेक्ट करती है ना। मैंने क्या बोला, AD एक परपेंडिकुलर लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है, AD बाइसेक्ट BC। बाइसेक्ट माने दो बराबर हिस्सों में बांटना, सिंपल समझो। अगर ये मेरे पास मार्कर था, मैं इसको यहां से कट करता हूँ, इस बीच पॉइंट से कट करता हूँ, इस बीच पॉइंट से कट करता हूँ, तो इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दूंगा। तो बाइसेक्ट का मतलब यही है कि जो बाई वर्ड है उसका मतलब दो, और सेक्ट माने काटना दो में, यानी कि मैंने BC को BD और DC में ब्रेक कर दिया या कट कर दिया है, ठीक। तो ये A हो गया, ये A हो गया और ये 90 डिग्री है तुम्हारे पास एंगल, ठीक। इतनी बात थी तुम्हें समझने की, ओके। अब ये 2A है, ये A है। अब मैं एक एंगल यहाँ पे 60 डिग्री ले रखा है और देखो बाइसेक्ट कर रही है, तो जब बाइसेक्ट करेगी तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इस वाले साइड के लिए एंगल अपोजिट ये होगा और इस वाली साइड के लिए अपोजिट एंगल ये होगा। इट मींस कि ये तुम्हारा 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, और इन दोनों का एडिशन जब करेंगे तो तुम्हारा 60 डिग्री जो है वहाँ पर सॉल्व होके आ रहा होगा। इतनी बात तुम्हें समझने की थी इसमें कि ये एंगल 30 है, ये 30 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ओके, बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहते हैं तो इस, अब राइट ट्राइंगल में लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इक्विलेटरल के लिए तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखो ए डी बी जो ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ए डी बी जो ट्राइंगल है वो तुम्हें राइट ट्राइंगल दिख रहा है, उसमें ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। एक मिनट को ये सारा फिगर भूल जाओ, इसको देखो ए डी बी को, तो इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का, ये 60 का, एडिशन 180 डिग्री आया। इसके अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस होगी, और अगर मैं एंगल बी के लिए बात करूं तो ये बेस होगा, ठीक, और ये चीज होगी परपेंडिकुलर। अब तुम्हें ए बी पता है, बी डी पता है, लेकिन ए डी नहीं पता, ए डी नहीं पता। तो अगर
मैं ट्राइंगल देख रहा हूँ एडीबी है ना, तो इन ट्राइंगल एडीबी तुम्हें दिख रहा है ए बी तुम्हें दे रखा है 2a और बी डी दे रखा है a, और ट्राइंगल एडीबी क्या है राइट ट्राइंगल, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम तो लग सकती है ना, परपेंडिकुलर निकालना है तुम्हें, तुम्हें ये क्या है हाइपोटेन्यूस पता है और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर तुम्हें नहीं पता, परपेंडिकुलर क्या है एडी परपेंडिकुलर है ना, देखो ध्यान से 90 डिग्री एंगल है ना, तो परपेंडिकुलर तुम्हें क्या है एडी जो है नहीं पता, इसका मीन्स अब हम लगाते हैं बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखते रहना कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस तुम्हारा 2a है, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस तुम्हारा a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर तुम्हें सॉल्व करना है, तो देखो ये क्या होगा 4a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आ गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर, तो इसको मैं अंडर रूट में जब भेजूंगा तो देखो ए तो बाहर आ जाएगा लेकिन रूट थ्री अंदर रह जाएगा, तो रूट थ्री ए जो है इसका जो है ए डी की वैल्यू आ गई, इसको मैं लिख देता हूँ रूट थ्री ए, ठीक। तो ए डी बी ट्राइंगल में, ए डी बी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर रूट थ्री ए, बेस तुम्हारा ए और हाइपोटेनस टू ए, ठीक। अब मैं ले सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अगर मैं लूँ साइन 60 डिग्री, ध्यान से देखते हैं ना, अब ले रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर पता लग गया रूट थ्री ए है, बेस तुम्हें पता लग गया ए और हाइपोटेन्यूस पता लग गई 2a, तो साइन 60 डिग्री के लिए ध्यान से देखना, साइन 60 डिग्री बेस तुम्हारा अब सॉरी परपेंडिकुलर लेंगे तो रूट थ्री ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है रूट थ्री ए अपॉन हाइपोटेन्यूस 2a, तो ये आ गया तुम्हारा रूट थ्री अपॉन 2, जाके टेबल में चेक करना साइन 60 रूट थ्री अपॉन 2 आ रहा होगा, ये उसका प्रूफ है, ठीक। ऐसी cos 60 लूं तो तुम्हारा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस तुम्हें पता है ए और हाइपोटेन्यूस 2a, तो देखना ये 1 अपॉन 2 ही आ रहा होगा। इसी तरीके से तुम tan 60 निकाल सकते हो, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तुम्हें पता चल गया रूट थ्री ए अपॉन बेस कितना है a, a से कैंसिल रूट थ्री आ रहा होगा tan 60 है ना, और बाकी sec cosec cot तुम इनके इनवर्स करके निकाल सकते हो, देखो cosec क्या होगा साइन का उल्टा, तो कॉसेक 60 हो जाएगा ये रूट थ्री अपॉन 2, तो ये 2 अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, ऐसी कॉसेक कॉस 60 का उल्टा सेक 60 होता है, तो ये अगर 1 अपॉन 2 है तो वो 2 अपॉन 1 हो जाएगा इनकी 2, और ऐसी टेन 60 है तो ये तुम्हारा कॉट 60 जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट थ्री, ठीक। तो ये सारी बात थी, अगर मैं लेता हूँ इस ट्राइंगल को फॉर 60 डिग्री, इस एंगल को लूँ तो 60 डिग्री के लिए जो कि हमारा एंगल बी है उसके लिए ये सारी वैल्यूज हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यहाँ पे लिख दी है जो तुम्हारे टेबल में भी अवेलेबल है, ये उसका प्रूफ है कि कैसे तुम्हारी वैल्यूज आती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेबल तुम्हें ऐसे ही नहीं लिख दी है, उसके पीछे प्रूफ्स होते हैं, उन प्रूफ्स को समझोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं 30 डिग्री के लिए, तो देखो मैंने क्या बोला बेस तुम्हारा रूट थ्री है, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा इस एंगल के लिए, ध्यान रखना एंगल बी ए डी के लिए बात कर रहे हैं हम, एंगल बी ए डी, ठीक। तो हाइपोटेन्यूस 2a, अब अगर मैं लिखूं साइन 30 डिग्री, ध्यान से देखना ए बी डी ट्राइंगल में, तो साइन 30 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ए है जो कि बी डी है, और हाइपोटेन्यूस क्या होगी ए बी यानी कि 2a, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 अपॉन 2, और cos 30 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस AD है तुम्हारा, बेस AD अपॉन हाइपोटेन्यूस AB, तो ये आ गया तुम्हारा रूट थ्री ए अपॉन 2a, इसकी वैल्यू आई है रूट थ्री अपॉन 2, टेबल में साथ में चेक करते रहना सारी वैल्यू जो है तुम खुद सॉल्व कर रहे हो ट्राइंगल खुद से बना के, ठीक। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है ये है परपेंडिकुलर BD अपॉन बेस ए डी, तो ये हो गया तुम्हारा बी डी क्या है ए, और ए डी कितना है रूट थ्री है, ठीक। तो 1 अपॉन रूट थ्री, तो टेन 30 क्या है 1 अपॉन रूट थ्री है, और अब साइन 30 का उल्टा कॉसेक 30 होगा, और कॉसेक 30 हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर भी होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूस कितना है तुम्हारा 2a अपॉन परपेंडिकुलर कितना है देखो a,
तो ये हो गया 2, है ना। तो कॉसेक देखो साइन का उल्टा, 1/2 का उल्टा 2 आ गया। ऐसी कॉस 30 का उल्टा कर दूं मैं सेक 30, तो ये √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ऐसी टेन 30 का उल्टा कर दूं तो वो आएगा cot 30, तो अगर 1/√3 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी √3। तो ये जो सारी बात थी 60° और 30° एंगल के लिए था। 45° हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं 0 और 90° का। देखो यहाँ पे मैंने 5 एंगल लिखे हैं, तुमने 30, 45, 60 कर लिया। अब जो 0 और 90 है वो आपस में दोनों इंटरकन्वर्टेबल है, हम उन दोनों को समझ सकते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे देख, अब अगर मैं 0 एंगल और 90° एंगल के लिए बात करूं तो देखो 4 एंगल 0, अगर किसी भी ट्राइंगल, किसी भी राइट ट्राइंगल में एंगल अगर 0 है तो इसका मीन्स क्या है कि एंगल 0 होने पर क्या तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो ये राइट ट्राइंगल है, अगर मैं साइन ए के लिए बात करता हूँ, साइन ऑफ एंगल ए या साइन ए लिख दूं मैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी और हाइपोटेन्यूस होगा ए बी, सॉरी हाइपोटेन्यूस ए सी, है ना। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ठीक। तो साइन ए बी सी अपॉन ए सी है। अब मैं कहता हूं, ध्यान सुनना, कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है अब जीरो है, है ना। अब एंगल जीरो होने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास डॉट है और वो यहीं पे एज इट इज रहा तो वो जीरो एंगल है। यानी कि जैसे जैसे साइन ए क्या है, बी सी अपॉन ए सी, ठीक। अगर ये जो मैंने फिगर बनाया, ध्यान से समझना है, ठीक, क्या हो रहा है इन फिगर्स में, अगर मेरे पास ये ऐसा था, कुछ ऐसा एंगल था ए, ये एंगल ए समझ में आ रहा है, ये नीचे वाली साइड क्या है ए बी और ऊपर वाली साइड क्या है ए सी, ये हाइपोटेन्यूस है, मेरे फिंगर का मूवमेंट देखो, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, देखो ये तुम्हारा बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को जीरो के पास लेके आता हूँ ऐसे, तो ये यहाँ पे फिगर आ गया, और मैं अब हाइपोटेन्यूस को और नीचे ला रहा हूँ, या हाइपोटेन्यूस को बिल्कुल यहाँ नीचे ले आया। मैंने क्या बोला, मार्कर रखते साइड में, ध्यान से देखो कि अगर ये मेरे पास एंगल था, ये एंगल ए है मेरे पास, ये एंगल ए की आर्म्स है, ये हाइपोटेन्यूस वाली है, ये बेस वाली है, ठीक। अब मैं एंगल को कम कर रहा हूँ, एंगल को कम करने का मतलब क्या है कि एंगल ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तुमने डी देखा होगा, तो अगर एंगल ये है तो ये यहां से यहां तक एंगल ज्यादा है, ठीक। अब मैं एंगल डिक्रीज कर रहा हूँ, तो एंगल जब जीरो होगा तो दोनों लाइन सेम हो जाएंगी, अगर ये दोनों लाइन थी अब ये लाइन ऐसे हो जाएंगी, तो वही चीज मैंने यहां पर करी है। देखो कि ये एंगल ऐसे था, अब मैं उसे डिक्रीज करता जा रहा हूँ, डिक्रीज करता जा रहा हूँ, और यहाँ पे लाइंस मिल गई है। यानी कि अगर मैं बी सी अपॉन ए सी की बात कर रहा हूँ, तो जो बी सी की लेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही है ना, जब एंगल कम आया, एंगल कम आया, तो बी सी की लेंथ डिक्रीज करती जा रही है, और अल्टीमेटली बी सी कितना है, सी पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बी सी इतना है, यहाँ बी सी इतना है, यहाँ इतना है, तो जब जीरो पे आ गया तो बी सी कितना हो गया मेरा, जीरो, और ए सी की कुछ वैल्यू हो तो मेरा जो साइन जीरो होगा वो जीरो, जीरो इसकी वैल्यू आएगी साइन जीरो डिग्री पे, है ना। अब अगर मैं पूछूं कॉस, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब कॉस जीरो के लिए मैं बात करूं तो देखो बेस मेरा ए बी है, बेस मेरा ए बी है, ए बी तो सेम ही है ना, तो जो कॉस की वैल्यू होगी वो तो जीरो की वैल्यू कुछ होगी वैल्यू, है ना, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। कॉस जीरो की वैल्यू 1 है क्योंकि हाइपोटेन्यूस तुम्हारा रहा है, बेस तुम्हारा रहा है, क्योंकि ये बेस है ना, ए बी तुम्हारा बेस है इस एंगल के लिए, तो बेस की वैल्यू रही है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू इससे मिल गई है, देखो ए सी जो है ए बी के साथ हो गया, तो ये 1/1 करके 1 आ जाएगी वैल्यू, है ना। साइन 0 1 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, ध्यान से रखना, साइन 0 कितना हो गया, 0, और कॉस 0 क्या आया, 1, ठीक। इतनी बात तुम्हें समझनी थी। अब मैं अगर टेन की बात करूं तो टेन 0 क्या होगा, साइन अपॉन साइन 0 अपॉन कॉस 0 होता है, ठीक। अब साइन 0 0, कॉस 0 1, तो ये 0 होगा, तो टेन 0 भी 0 होगा, है ना। और एक और बात देखो, अपनी टेबल में देखना तो तुम्हें दिखाई देगा कि जो कॉसेक की, कॉसेक 0 की वैल्यू है वो उन्होंने या तो इन्फिनिटी लिखा होगा या लिखा होगा नॉट डिफाइंड, है ना, इन्फिनिटी लिखना गलत है, वो हम समझेंगे। तो अभी समझ लो कि यहाँ पे जब मैं कॉसेक 0 निकालता हूँ, कॉसेक 0 डिग्री निकालूँ, तो वो होगा साइन 0 का उल्टा, साइन 0 0 है तो 1/0 होगा। अब ये वाली जो चीज थी, इसको हम या तो इन्फिनिटी बोलते हैं या फिर नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोलना गलत है, इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्योंकि मैथ्स की लैंग्वेज में
मैथ्स की लैंग्वेज में हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, उसका टेबल भी जीरो वन सा जीरो, जीरो टू सा जीरो, जीरो थ्री सा जीरो, तो कभी हम जीरो से वन को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास कि हम जीरो को डिवाइड करके कैसे शो करेंगे। ठीक, तो ये थी हमारी कॉस जीरो की वैल्यू। ऐसी सेक जीरो जब सॉल्व करेंगे तो ये वन अपॉन वन होगा तो वन आ जाएगा, लेकिन टेन जीरो जब हम कॉट जीरो की करेंगे तो वो भी आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी थी कि कॉट जीरो टेन जीरो का उल्टा, यानी कि वन अपॉन जीरो, तो वो दोबारा से नेट नॉट डिफाइंड होगा। वन अपॉन जीरो तुम्हारा नॉट डिफाइंड है, मैथ्स की लैंग्वेज में कोई चीज नहीं है। क्या हो रहा था यहाँ पर, जो एंगल है मेरा वो जीरो को अप्रोच कर रहा था, पहले एंगल ऐसा था, अब वो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गया। तो हमारे एंगल जीरो के साथ साथ जो मेरी बीसी की साइड थी वो कम होती जा रही है, कम होते हुए यहाँ पे जीरो हो गई। इसी वजह से साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, और हमारा जो सारी चीजें ये सारी नोट कर लेना, है ना। अब 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री के लिए भी कुछ ऐसा ही एक्सप्लेनेशन है ना, कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो 90 डिग्री भी देख लो, यहाँ पे देखो मैंने चार ट्रायंगल बना रखे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब एंगल तुम्हारा ऐसे है, डाउन है, कुछ इस तरीके से है। देखो एंगल तुम्हारे पास ऐसा है, पहले ट्रायंगल ऐसा था, अब एंगल ऐसा आ गया, अब एंगल और कम, और लास्ट में बिल्कुल खत्म हो गया। तो अगर मैं साइन 90 डिग्री के लिए बात करूं तो वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो अगर मैं इस एंगल के लिए देखूं तो तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि साइन 90 तुम्हारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो तुम्हें समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, तुम्हें समझ में आ रही है परपेंडिकुलर। तुम्हारा जो बीसी है वो तो बीसी रहा है ना, खत्म कौन सी साइड हुई, तुम्हारी खत्म साइड हुई है ये वाली जो यहाँ पे थी एबी। एबी की लेंथ देखो कम होती जा रही है, यहाँ पे तो जीरो होगी, यहाँ पे इतनी है और यहाँ पे कम है। ठीक, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर तो जिंदाबाद है और हाइपोटेन्यूस है ही साथ में, तो ये वन हो गया। लेकिन कॉस 90 की अगर हम बात करें तो वो था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के लिए इसका बेस एबी था, अब देखो एबी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एबी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे जीरो हो गई, तो ये हो गया जीरो अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है वन, तो ये हो गया जीरो। ठीक, तो साइन 90 के आगे देखना वन लिखा होगा, कॉस 90 पे लिखा होगा जीरो, तो टेन 90 क्या होगा, टेन 90 क्या होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक, तो साइन अपॉन अगर कॉस है तो साइन 90 वन और कॉस 90 जीरो, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक, तो देखना वहां पर लिखा होगा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे ही सेक, कॉसेक और कॉट का तुम देख सकते हो। ठीक, तो अब जो टेबल है तुम्हारी एनसीईआरटी में, उस टेबल को देखना, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो टेबल बनाऊंगा और उस टेबल को याद करने का तरीका बताऊंगा। ये सिर्फ लेक्चर एक स्पेशल लेक्चर था तुम्हें प्रूफ समझाने के लिए कि कैसे कैसे वैल्यूज आई हैं। ये सारी वैल्यूज तुम साथ में नोट करते रहो, साथ में कैलकुलेट करते रहो, और फिर खुद टेबल से मैच करना और टेबल खुद की ड्रॉ करना। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे टेबल को याद कैसे करना है। ये तो तुम्हारा समझाने वाला तरीका था, अब हर बार तो नहीं करोगे एग्जाम में जाके, हम वो भी सीखेंगे कैसे उन्हें याद रखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के टेबल का वो और कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो ध्यान अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल बात है, ऐसे तुम्हें कोई नहीं बताता, सब तुम्हें टेबल याद करने को देते हैं, हमारे स्कूल टीचर भी यही तुम्हारे को कहते हैं, पर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सबका अपना काम है। पर तुम समझो कि तुम्हें चीज़ें समझनी है या फिर रटनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रटने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम भूल जाओगे टेबल। लेकिन ये जो चीज़ समझाई है वो तुम्हें जब तक हो, जब तक पढ़ाई करते रहोगे, तुम्हें दिमाग में रहेगा, ध्यान में रहेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही था, थैंक यू।